गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. सो आई एम रितिका जुजगर, असिस्टेंट प्रोफेसर आईटी डिपार्टमेंट. एंड व्हाट इज द सॉफ्ट कंप्यूटिंग? सॉफ्ट कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोफेसर लॉर्ड फी जेडा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द टॉलरेंस फॉर इम्प्रिसाइसली अनसर्टेनली एंड पार्शियली ट्रूथ इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. ओके, सो व्हाट इज मीन बाय सॉफ्ट कंप्यूटिंग? The objective of soft computing to exploiting the tolerance of imprecisely, uncertainly, and partially truth in the problem solving. So, based in the soft computing, there are different techniques are used. That is, neural network, fuzzy logic, genetic algorithm, and for solving the problem, different types of problems. So this soft computing helps to achieve the tractability, robustness, and low solution cost and real solutions. Computing के अंदर four main techniques आते हैं: probabilistic model, fuzzy logic, neural network, and evolutionary algorithm or genetic algorithm also. So approximate reasoning के अंदर probabilistic model and fuzzy logic है. एंड फंक्शनल अप्रोक्सीमेशन और रैंडमाइज सर्च के अंदर न्यूरल नेटवर्क एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम. ओके, सो इन द यूनिट वन वी डिस्कस दिस न्यूरल नेटवर्क इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम. ओके, व्हाट इज मीन बाय न्यूरल नेटवर्क? ओके, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम, फजी लॉजिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. और जो नेक्स्ट यूनिट है, यूनिट टू, यूनिट थ्री, यूनिट फोर, उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरल नेटवर्क, आर्किटेक्चर ऑफ न्यूरल नेटवर्क, वर्किंग ऑफ न्यूरल नेटवर्क, उसके एप्लीकेशंस कौन से हैं. ओके, सिमिलर टू द फजी लॉजिक आल्सो एंड इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम आल्सो. ओके, सो रिमेनिंग जो भी यूनिट्स है उसके अंदर डीपली हम स्टडी करेंगे न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर, फजी लॉजिक, जेनेटिक एल्गोरिथम एंड एडवांसेस इन सॉफ्ट कंप्यूटिंग. सो नेक्स्ट इज, अगर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए कोई कौन से वीकनेसेस हो सकते हैं बाय यूजिंग सॉफ्ट कंप्यूटिंग एंड स्ट्रेंथ क्या हो सकती है. ओके, ऑल द सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स इंडिविजुअली हैव प्रोवाइड द इफिशियंट सॉल्यूशन टू प्रोवाइड द रेंज ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू द डिफरेंट डोमेन. So this technique can be combined together, maybe applied to find out the solution to the problem where the techniques do not work individually. Okay. So अगर हमारे पास कोई भी टाइप का प्रॉब्लम है उसको हम न्यूरल नेटवर्किंग से सॉल्व कर सकते हैं, फजी लॉजिक का सिस्टम है उससे सॉल्व कर सकते हैं, इवोल्यूशनरी एल्गोरिथम से भी सॉल्व कर सकते हैं. बट उसका वीकनेसेस क्या है? सम प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो उसको हम इंडिविजुअली सॉल्व नहीं कर सकते, न्यूरल नेटवर्क से सॉल्व नहीं कर सकते या फिर फजी लॉजिक से. उसको हमें क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड टेक्निक यूज करनी पड़ेगी. मतलब उस टाइप के प्रॉब्लम के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक कंबाइंड सॉल्व कर सकते हैं. ओके, so combined together may be applied to find a solution to the problem where the techniques do not work individually. Okay, so this is the weaknesses of the soft computing. Fuzzy logic is a good at explaining the decision but cannot automatically acquire the rules used for making the decision. Okay, so हम डिटेल में स्टडी करेंगे न्यूरल नेटवर्क, फजी लॉजिक, सो उससे आपको समझ में आएगा कि इसके वीकनेसेस क्या है. So, tuning of membership functions become an important issue in a fuzzy modeling. Okay, so this is also the weaknesses of solving the problem. Either the neural network or genetic algorithm offer a possibility to solve this problem. So, this limitation act as a central driving force for the creation of hybrid soft computing system where two or more techniques are combined in suitable manner that overcome the limitation of a individual technique. Okay, जैसे मैंने बताया था weaknesses क्या है, अगर हम individually कोई भी technique use करते हैं
फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. ओके, सो वो क्या करेगा, हमें वीक हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं शो करेगा. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द सॉफ्ट कंप्यूटिंग. सो टू ओवरकम दिस लिमिटेशन और टू ओवरकम द वीकनेसेस ऑफ दिस टेक्निक, वी कैन यूज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक्स. सो कॉम्बिनेशन मीन्स वॉट, न्यूरल नेटवर्क फजी लॉजिक कॉम्बिनेशन, न्यूरल नेटवर्क जेनेटिक एल्गोरिदम कॉम्बिनेशन, न्यूरल नेटवर्क इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग एल्गोरिदम, देन फजी लॉजिक को हम कंबाइन कर सकते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम के साथ. ओके, सो टू और मोर टेक्निक्स आर कंबाइंड इन अ सुटेबल मैनर दैट ओवरकम्स द लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअल टेक्निक्स. सी हियर, तो अगर हम कोई भी टेक्निक को कंबाइन करते हैं सो उसको बोलेंगे हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग. सी हियर, न्यूरल नेटवर्क है, फजी सिस्टम है, इवोल्यूशनरी जेनेटिक एल्गोरिथम है. सो दीज आर दी थ्री मेन टेक्निक्स ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग. हाइब्रिड मीन्स वॉट, अगर कोई भी प्रॉब्लम को हम न्यूरल नेटवर्क के सॉल्व नहीं कर रहे सो हम क्या करेंगे, टू टेक्निक को कंबाइन करेंगे. सो न्यूरल और इवोल्यूशनरी जेनेटिक एल्गोरिथम कंबाइन करके क्या होगा, न्यूरल जेनेटिक एल्गोरिथम सिस्टम. अगर हम न्यूरल और फजी को कंबाइन करते हैं सो न्यूरो फजी सिस्टम, एंड अगर हम फजी सिस्टम और इवोल्यूशनरी जेनेटिक एल्गोरिथम को कंबाइन करते हैं सो फजी जेनेटिक एल्गोरिथम सिस्टम. सो दिस थ्री टेक्निक्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिड सॉफ्ट कंप्यूटिंग. ओके, हाइब्रिड सिस्टम. नेक्स्ट इज अ स्ट्रेंथ. ओके, सो द मेन एम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज टू ओवरकम द वीकनेसेस in one technique. Okay, the main aim of this concept of hybridization is to overcome the weaknesses in one technique. जो भी weakness होगा neural network का या फिर fuzzy system का, उसको overcome करने के लिए हम क्या use कर सकते हैं, hybridization. Okay, so while applying it and bringing out the strength of the other techniques to find the solution by combining them. Okay. So every soft computing technique has particularly computational parameters which make them suited for a particular problem and not for the other. Okay, so this is the strength of the soft computing. So in the soft computing, there one another approach of computing is the artificial neural network. Okay, so in the next lecture we will introduce the concept of neural network, or in the neural network again two techniques are present, artificial neural network and biological neural network. Okay, so tomorrow we discuss about the concept of neural network and it will used to solve many problems in the different applications. So in the real life applications we use the neural network and how to solve the real life problems by using the neural network technique. Okay, so this part we discuss in the next lecture. Thank you.